ऑलराइट, तो यहाँ पे 199 ट्रैक्स के बाद आके इसने मुझे सिस्टम ओवरलोड शो किया। मेरी सिस्टर ने रिसेंटली एक मैकबुक एयर ली विद द M1 चिप एंड आई थॉट कि उसको प्रोडक्शन के लिए ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इस रेंज में कोई भी ऐसा लैपटॉप है जो ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो पर्सनली जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, दैट्स द Asus ZenBook Duo 14 जो मैंने 135,000 का लिया था और अभी Amazon पे 131,000 का है। और जो मैकबुक एयर है विद M1 चिप 256GB SSD एंड 8GB रैम वो 75,000 के आसपास की पड़ती है विद ऑल द डिस्काउंट्स, जो ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस है ऑफ द Asus MacBook Duo 14। मैंने दोनों पे Cinebench R23 टेस्ट रन किया और as you can see the results की MacBook ने बेटर परफॉर्म किया उसमें। I know कि इसमें तुम्हें सिर्फ 256GB SSD मिल रही है as compared to 1TB on the Asus ZenBook Duo, but तुम एक external SSD खरीद सकते हो 1TB की जो अभी Amazon पे 10,000 के आसपास की मिल रही है एंड ऑब्वियसली 10,000 ऐड करेंगे 75,000 में तो 135,000 से वो अभी भी काफी कम है। आई नो कि इसमें 8GB RAM मिलती है, बट इसकी 8GB RAM भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लैपटॉप्स की 8GB RAM। कुछ ऐसे फीचर्स जो मुझे Asus ZenBook Duo से बहुत बेटर लगे हैं मैकबुक में, द इंटरनल माइक, द इंटरनल स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं एंड द इंटरनल वेबकैम काफी अच्छा है, ट्रैक पैड भी अच्छा है, बड़ा है। कीबोर्ड मुझे पर्सनली Asus ZenBook का बेटर लगा, द टेक्सचर एंड द फील मुझे उसकी बेटर लगी, बट ट्रैक पैड मुझे ओवरऑल मैक का बेटर लगा। मैंने गूगल पे सर्च किया और मुझे पता लगा कि जो मैकबुक है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है व्हेन नॉट प्लग्ड इन टू द चार्जर, बट पर्सनली मेरे को ऐसा कुछ नोटिसेबल डिफरेंस नहीं लगा परफॉर्मेंस में। बट जो Asus ZenBook Duo 14 है मेरे पास, उसकी परफॉर्मेंस काफी कम हो जाती है जब वो चार्जर से प्लग्ड नहीं होती है, और बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी है जब तक तुम कॉन्स्टेंटली पूरे दिन यू नो लॉजिक या प्रीमियर प्रो टाइप की चीजें नहीं चला रहे हो, एंड इवन इफ तुम हैवी टास्क कर रहे हो कॉन्स्टेंटली तुम्हें तब भी 3-4 आवर्स का बैकअप तो बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, द फैन नॉइज, मैकबुक में लिटरली जीरो फैन नॉइज है और जो मेरी Asus ZenBook है उसमें इतनी फैन नॉइज है कि रिकॉर्डिंग करते करते बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है कभी कभी। ऑलराइट, तो मैंने लॉजिक खोल के यहाँ पे एक बेसिक सा मिडी ट्रैक बना दिया जिसमें मैंने बेसिक ट्रायड्स प्ले करे हुए हैं, और अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको बस डुप्लीकेट करता रहूंगा जब तक ये सिस्टम ओवरलोड शो नहीं करता। ऑलराइट, तो 280 ट्रैक्स में हम आ चुके हैं और ये अभी भी काफी स्मूथली वर्क कर रहा है। अगर मैं ऑडियो प्ले करूँ विदाउट एनी स्टटर प्ले होगी, अगर मैं कुछ ऐसे बेसिक कट्स डालना चाहूँ तो ये विदाउट एनी स्टटर कट होगा। कहीं पे भी मुझे कट करना हो, कुछ करना हो, इवन अगर मैं प्ले करके करूँ, एज यू कैन सी काफी स्मूथ वर्क कर रहा है, कोई डिले कोई स्टटर नहीं है। एंड फैन नॉइज की बात करूं तो लिटरली जीरो फैन नॉइज है क्योंकि फैन ही नहीं है इसमें। तो मिक्सिंग के टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक वोकल टेक अपना लोड कर लिया है जिसमें मैंने एक ब्राइट वोकल करके वोकल चेन पहले से ही लॉजिक में थी उसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और अब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा सिमिलरली, देखते हैं कि ये कहाँ पे सिस्टम ओवरलोड शो करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 199 ट्रैक्स के बाद आके इसने मुझे सिस्टम ओवरलोड शो किया, और 199 भी आई गेस मोर देन इनफ है, 100 भी मोर देन इनफ है, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेसिंग इतने सारे ट्रैक्स पे आई डोंट थिंक तुम कभी भी करोगे और कोई भी करेगा, और अगर कोई कर रहा है तो भाई क्या कर रहा है यार, तू मत कर, इतनी प्रोसेसिंग इतने ट्रैक्स पे कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज आई गेस मोर देन एनफ, एंड स्पेशली जब तुम स्टार्ट कर रहे हो और बजट पे टाइट हो और एक अच्छा यू नो पोर्टेबल डिवाइस चाहिए तुम्हें काम करने के लिए, तो दिस इज मोर देन एनफ। तो आई विल से कि ये बहुत अच्छा लैपटॉप है एंड प्रोबेबली बेस्ट लैपटॉप है इस रेंज में, और मुझे अपनी Asus की ZenBook से बेटर परफॉर्मेंस लगी इसकी। तो अगर तुम प्रोडक्शन में आने वाले और तुम्हें मिड रेंज में एक बहुत अच्छा डिवाइस चाहिए, एक पोर्टेबल डिवाइस चाहिए, तो आई विल से गो फॉर दिस मैक। अगर तुम्हें पोर्टेबिलिटी का इतना नहीं है तो सेम बजट में एक पीसी बिल्ड कर सकते हो, दैट विल परफॉर्म बहुत अच्छा टू। तो आई होप यू गॉट द आंसर कि अब तुम्हें क्या बाय करना है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स फ्री और वो मेरी भी बहुत हेल्प करेगा, तुम्हारे भी बहुत हेल्प करेगा। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर सम डेली टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरा नाम है शाश्वत एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।